मैं किसी की तोतली बोली को जो थथा कर बोलता है मैं उसकी हीलिंग को होते हुए देख रहा हूं। इस ब्रदर जी का नाम हरमन है और जयमुदल गांव के रहने वाले हैं और जिसके साथ इसकी सिस्टर है। और इस ब्रदर जी की गवाही जे बता रहे हैं कि जब बचपन में जे ब्रदर की एज 5 साल की थी और उस समय जे बहुत ही तोतलापन थथापन से बोलता था और जिसके कारण जब इनकी फैमिली जब इसने 5 साल में बोलना शुरू किया तो इनकी फैमिली काफ़ी परेशान हो गई क्योंकि जो सही तरह से बात नहीं कर सकता, रुक रुक कर बात करता था। और जे बता रहे हैं कि जैसे इन्होंने इनके पास प्रभु की गुड न्यूज़ मिली और ये यहोशुआ रंजीत रॉबिन मिनिस्ट्री में आए और लगातार जे सिस्टर मीटिंग्स अटेंड करते रहे और जिसके लिए प्रार्थना करते थे। और जैसे इन्होंने पिछले साल 2021 में 25 सितंबर की मीटिंग को अटेंड किया था और प्रभु के दास जब दुखियों बीमारों के लिए प्रार्थना कर रहे थे और प्रभु के दास के मुख से डिलीवरेंस वर्ड आया कि किसी की तोतलीपन थथापन से बोलता है और परमेश्वर आज उसे इस प्रॉब्लम से छुटकारा देने वाले, उसे ब्लेस करने वाले। पहले हम इस वीडियो क्लिप को देखेंगे। तोतला, मैं किसी की तोतली बोली को जो थथा कर बोलता है मैं उसकी हीलिंग को होते हुए देख रहा हूं। वो बंदा वो थत्था है, उसने मूसा को थत्था रखा क्योंकि मूसा ने परमेश्वर की बात का विश्वास नहीं किया। आपका बोलना तोतला है, आप थथा कर बोलते हो। आज से आपकी चीप यीशु मसीह के नाम से मैंने कहा सिद्ध हो जाए, यीशु मसीह के नाम से आपका तोतलापन चला जाए। मैंने कहा आपका तोतलापन चला जाए, आपके थत्थेपन की दुष्ट आत्मा से आपको आजाद घोषित करता हूं। मैंने कहा आपकी थत्थेपन की, मैंने कहा आपकी। और जैसे ही इसके जो सिस्टर और इस ब्रदर ने इस वर्ड को रिसीव किया और क्योंकि आज इसकी जो एज 14 साल हो गई और अब तक जो ऐसे ही बोल रहा था और जैसे इन्होंने इस वर्ड को रिसीव किया और जब जो आगे आए तो इनके लिए प्रेयर हुई। अभी हम इस वीडियो को भी देखेंगे। हाथों को उठाओ, ली सत्ता न रखा नकुरी सखा बाबा बाले बेबनिशित न रवि संदला बाबा बाबा बाबा। चल शैतान छोड़ इनकी जीप को, चल छोड़ इनकी जीप को शैतान, आउट। चल लेके के जीवन से चल 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 शैतान, तेरा शराब मेरे प्रभु ने अपने लहू से हमारे जीवन से खत्म किया है। चल इस डिलीवरेंस वर्ड से शैतान, चल तेरे शराब को मैं तोड़ता हूं इसी समय, आउट 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 आउट, फ्री फ्री फ्री। हाथों को उठाओ और धन्यवाद को परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं खुदावन कैसे मेरा बोलना तेरे सामर्थ्य नाम से सही हो चुका है। उठाओ उठाओ जाओ। और जैसे इस ब्रदर के लिए प्रभु के दास के द्वारा प्रेयर हुई और उसके बाद जो विश्वास में बने रहे, धन्यवाद करते रहे। और आज ये सिस्टर जो इनके जो विश्वास करते थे इसके लिए और जो ब्रदर ने बताया कि अभी 3 महीने हो गए, इन्होंने चेक किया है कि 3 महीने हो गए अभी जो इसके बोलने में तोतलापन था थत्थापन था, परमेश्वर ने पूरी तरह से इस प्रॉब्लम से इसको आज़ाद कर दिया। अभी जो नॉर्मल बात करता है, बिल्कुल भी रुक रुक कर बात नहीं करता, परमेश्वर ने पूरी तरह से आज इसके जीभ को खोल दिया है और कोई भी आज बोलने में रुकावट नहीं है। और इस गवाही के लिए जो परमेश्वर का धन्यवाद करते, हम सब जोर से तारीफ करेंगे इग्लेसिया। और सुनो, दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो खुदावंद से नहीं हो सकता, क्या नहीं है? ये शायद आपने इतना ध्यान नहीं दिया होगा कुछ लोगों ने, ये जो हमने 2021 को
क्रिसमस को जो सेलिब्रेट किया था ये उस दिन की गवाही है, समझ आ रही है? 2021 को समझ आ रही है? हमने जो यीशु मसीह के बर्थडे को उसके जन्म की खुशी में जो सेलिब्रेट किया था उस दिन की ये हीलिंग है, और आज ये एक साल बाद ये गवाही दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? देखो एक चीज सुनो ध्यान से, जब तुम किसी भी काम को रिसीव करते हो, जिस काम के लिए भी परमेश्वर का आत्मा मेरे मुंह से बोलता है, अगर आप आत्मिक हो, इसलिए तो लिखा जो शारीरिक व्यक्ति है वो आत्मा की बातों को समझ नहीं सकता, क्योंकि उसे समझने के लिए हमें आत्मिक बनना पड़ेगा। अगर आप आत्मिक हो तो आपको पता है कि परमेश्वर ने मेरे लिए ये वर्ड बोला है, ये वचन बोला है, ये मेरे लिए था। तो अगर आप आत्मिक तो आप उसे पकड़ लोगे। कितनों को समझ आ रही है? हाथ ही लाओ जिनको समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं। और जब आपको समझ आ जाती है कि परमेश्वर ने मेरे लिए वर्ड, बेशक चाहे आज मैं क्या कहता हूं, कुछ टेस्टामनी इंस्टेंट टेस्टामनी बनती है, तुरंत लोग गवाही देते हैं, पर जब जब जो चीजें परमेश्वर बोलता है मेरे मुंह से, क्योंकि परमेश्वर को एक मुंह चाहिए ना, इसराइलियों को वो सीधा भी जाकर मिस्र से छुड़ा सकता था ना, मूसा को क्यों खड़ा किया? यही तो कारण है, मूसा को क्यों खड़ा करा? परमेश्वर ने कहा मूसा मैं तेरा मुंह बनकर बोलूंगा। क्या बोलूंगा? मैं तेरा मुंह बनकर बोलूंगा। आज भी परमेश्वर को मुंह चाहिए, उसी मुंह से तो वो अपनी महिमा को, अपने कामों को आपके लिए बोलता है। अगर तुम आत्मिक हो आप तो फिर आप पकड़ लोगे, यस ये वर्ड, ये वचन मेरे लिए बोलना। फिर अगर आप आत्मिक हो तो आप लिख कर रखोगे, फिर आप रोज धन्यवाद करोगे, रोज धन्यवाद करोगे, यस परमेश्वर मेरे लिए हो चुका है, यस परमेश्वर मेरे लिए हो चुका है। यही तो इस मिनिस्ट्री की पॉजिटिव शिक्षा है। क्या है बोलो? हम जब किसी चीज को, जैसे यीशु मसीह ने चेलों को सिखाया इस पहाड़ को कहो, समुन्द्र में क्या हो, उखड़ और जा पड़, और अपने मन में क्या ना करो, और जो कुछ तुम कहते हो प्रार्थना करके मांगते हो प्रतिति कर लो, वो मिल गया। जब एक बार परमेश्वर ने आपके लिए बोल दिया, अब फिर रोज धन्यवाद करो, ये हो चुका है। ये वही धन्यवाद है जो इस फैमिली ने, ये इसको फोन देना है, इसकी सिस्टर को पहले, और फोन सॉरी माइक। हाँ आप सबने मिलकर इसके लिए धन्यवाद करते रहे कि परमेश्वर आप इसे अच्छा कर चुके हो, जो वर्ड जो वचन परमेश्वर अपने अपने दास के द्वारा दिया है ये हो चुका है। अब लगातार इतना समय तक धन्यवाद में बने रहे, ये देखो कितनी बड़ी बात है। ऐसे नहीं कि 10 दिन, महीना, 2 महीने, 4 महीने बीत गए तो अब बाइबल में लिखा अपने आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहो, पकड़े रहो, छोड़ना नहीं है। जिस बात के लिए परमेश्वर ने वचन दिया जब तक होता नहीं ना, तुम छोड़ो ना, तुम धन्यवाद देते रहो। यही धन्यवाद दिया ने, और आज आपके सामने खड़ा है। इसको अपने भाई को देना माइक। जय मसीह की। क्या नाम है आपका? हरमन। हरमन कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 8th। नहीं माइक को पास रखो। 8th। 8th में पढ़ते हो? यस। क्या क्या करना चाहते हो अपनी लाइफ में, क्या बनना चाहते हो? ओ जी। हाँ? आर्मी। आर्मी में होना चाहते हो? हाँ? यस। आर्मी में होना चाहते हो? यस। कुछ कुछ गा के थोड़ा बता सकते हो? कुछ कुछ गा के कोई सॉन्ग प्रभु का? हाँ? गा सकते हो? आता है कोई सॉन्ग? हाँ? कोई वचन नहीं बोल दो? हाँ? चलो मेरे पीछे बोलो, एक वचन बोलो, बोलो परमेश्वर, परमेश्वर तेरे वचन में लिखा, तेरे वचन में लिखा कि तूने तुमने जगत से प्रेम किया, जगत से प्रेम और अपना इकलौता पुत्र, और अपना इकलौता, माइक पास रखो, अपना इकलौता पुत्र, और अपना इकलौता पुत्र दे दिया, दे दिया, और तेरे वचन में लिखा, और तेरे वचन में लिखा जो कोई विश्वास करेगा, जो कोई
वो नाश नहीं होगा, वो नाश नहीं होगा, वो अनंत जीवन पाएगा, अनंत जीवन पाएगा। आमीन, आमीन। ये मैं इसे क्यों बुला रहा हूँ, मैं इसे बुला रहा हूँ ताकि आपको समझ आए कि हमारा परमेश्वर जीवित है, जो डॉक्टरों का डॉक्टर, डॉक्टर जीसस। जोर से तारीफ करो, जो काम मनुष्यों से नहीं लिखा वो परमेश्वर से हो सकती है, बिना चीर पर, बिना कुछ किए भी परमेश्वर काम करता है। दोनों हाथों को उठाकर तारीफ करो इस बड़े काम के लिए। घुंगिया नु बोलण दो देंदा, घुंगिया नु बोलण दो देंदा, घुंगिया नु बोलण दो देंदा, घुंगिया नु बोलण दो देंदा। जद अपना हाथ वधोदा है, जद अपना हाथ वधोदा है, अन्या नु वेखण दो देंदा, अन्या नु वेखण दो देंदा, अन्या नु वेखण दो देंदा। किसी भी शब्द में, कोई भी शब्द इसका स्लिप हुआ है, किसी भी शब्द में ऐसी आवाज आई कि जो साफ ना हो शब्द, ये है खुदावन की पहचान, यही तो पहचान है। लिखा बाइबल में परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, एक लौता जो उसकी गोद में था उसने प्रकट कर दिया, हमारे जीवन से आज वो प्रकट है। तारीफ कर दो जोर से फिर से। ओके, गॉड ब्लेस यू।